तेज रफ्तार का कहर बाराबंकी में भी दिखाई दिया है। वहां पर खड़े डंपर में तेज रफ्तार डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में डीसीएम के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर और खलासी घायल बताए जा रहे हैं और इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामनगर थाना इलाके के दलसराय पेट्रोल पंप के पास का हादसा है, तस्वीरें देखिए। बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर, खड़े डंपर में तेज रफ्तार डीसीएम ने आकर मारी जोरदार टक्कर, परखच्चे उड़ गए डीसीएम के। एक टक्कर गोंडा में भी हुई है, वहां पर ट्रक और गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई। ट्रैक्टर के वहां पर खच्चे उड़ गए और दोनों गाड़ियों के चालक घायल बताए जा रहे हैं। गैस कटर से काटकर इन दोनों चालकों को बाहर निकाला गया है। ट्रक और ट्रैक्टर चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा हुआ है कोतवाली देहात थाना इलाके के पंडरी कृपाल के पास। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक और हादसा, एक और टक्कर गोंडा में, ट्रक और गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली की। गोंडा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत पंडरी कृपाल के पास जो बलरामपुर रोड है, क्या गन्ने की लदी ट्राली और खाद्यान्न लदे हुए ट्रक में जो है आपका टक्कर हुई है, जिसके चलते जो है गन्ने की ट्राली के नीचे उसका ड्राइवर आ गया था और जो है ट्रक है, ट्रक के नीचे भी उसका ड्राइवर आ गया था। 112 नंबर को श्री अनमोल मिश्रा नाम के किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। लापरवाही की वजह से लिफ्ट में एक बच्चा 10 मिनट तक फंसा रहा। बच्चा जिस वक्त लिफ्ट में फंसा था उस वक्त लिफ्ट 5वें फ्लोर पर थी। मामला बच्चा निराला एस्पायर सोसाइटी का है और ये पूरी घटना वहां पर लगे लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। और ये देखिए आप उसका फुटेज, ये बच्चा 10 मिनट तक इस लिफ्ट में फंसा रहा। सबक यह है कि बच्चों को आप अकेले लिफ्ट में न जाने दें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यह हुआ है। आइए इस खबर से जुड़े कुछ और तथ्य हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये खौफनाक मंजर, बच्चा फंसा लिफ्ट में अंदर और 10 मिनट तक ये बच्चा लिफ्ट के भीतर फंसा रहा। ये निराला एस्पायर सोसाइटी का मामला है, वहीं की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। 10 मिनट तक लिफ्ट में बच्चा चिल्लाता रहा, असहाय महसूस करता हुआ, डरा हुआ, खौफ में, दहशत में। 10 मिनट तक कोई मदद के लिए नहीं आया उस बच्चे की। ये 4थे और 5वें फ्लोर के बीच ये लिफ्ट रुकी हुई थी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बच्चे के लिफ्ट में फंसे होने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो हमने आपको दिखाया और बच्चा बुरी तरह से घबरा गया, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा। 29 नवंबर को क्रॉसिंग रिपब्लिक में कुछ बच्चियां भी ऐसे लिफ्ट में फंसी थी। 20 मिनट तक 3 बच्चियां लिफ्ट में फंसी रही और बुरी तरह से घबरा गई, दहशत में आ गई, बिल्कुल स्वाभाविक छोटे बच्चों के साथ अगर वो अकेले इस तरीके से इतनी देर तक लिफ्ट में फंस जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर अब लखनऊ से है। वहां पर मामूली से विवाद में दबंगों ने युवक को पीटा, युवक को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। गैस भराने गए युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। आदिल नगर में गैस की दुकान पर युवक के साथ मारपीट भी की गई और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। लखनऊ से खबर है। मामूली सा विवाद था, दबंगों ने युवक को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। गैस भराने गए युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया और उसके बाद इस युवक की हालत देखी। आदिल नगर में यह हुआ है। लखनऊ के थाना गुडम्बा का मामला है। गैस भराने गए युवक पर दबंगों का हमला, लहूलुहान कर दिया, इतना मारा इस युवक ने। एक बड़ी खबर हमीरपुर से है। सेना भर्ती में फर्जी दस्तावेजों की जांच करने पहुंची है सीबीआई। 22 युवकों के फर्जी निवास प्रमाण पत्र होने की जांच जारी है। कानपुर सेना भर्ती में 2016 में फर्जी निवास प्रमाण पत्र का मामला है। हमीरपुर तहसील से जारी हुआ था फर्जी निवास प्रमाण पत्र। लेखपाल, प्रधान और सभासदों से सीबीआई ने पूछताछ की है। मुख्यालय के मौदहा डैम गेस्ट हाउस में इनसे पूछताछ चल रही। लेखपाल, प्रधान और सभासदों से सीबीआई की पूछताछ जारी। 22 युवकों के फर्जी निवास प्रमाण पत्र होने की जांच जारी सीबीआई के द्वारा। लेखपाल, प्रधान और सभासदों से सीबीआई पूछताछ कर रही।
एक और बड़ी खबर मेरठ से है। रिहायशी इलाके में फिर से एक तेंदुआ दिखाई दिया है। टीपी नगर इलाके में ये तेंदुआ दिखाई दिया है और कैद हुआ है वो सीसीटीवी कैमरे में। रात के 2:30 बजे घूमता हुआ ये तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया रिहायशी इलाके में। स्वाभाविक तौर पर लोगों में दहशत है इस इलाके में। ये टीपी नगर का इलाका, तेंदुआ सीसीटीवी में कैद। रात के 2:30 बजे ये तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया रिहायशी इलाके में और वही फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। टीपी नगर का इलाका, रिहायशी इलाका। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।